हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो फ्रेंड्स, आई एम नेहा सेठी एंड वेलकम टू शेयर मार्केट विद नेहा सेठी। बात करेंगे लॉयस्टेल शेयर के बारे में। लास्ट 3 डेज में बहुत अच्छा 30% का रिटर्न दिया है। तो जो लास्ट डे था उसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, तो लोग पैनिक हो रहे हैं। बट फ्रेंड्स, अगर आप शेयर मार्केट में हो और अगर आप अच्छा पैसा कमाना चाहते हो, तो ये थोड़ी सी गिरावट से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है, स्टील की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो ऐसी थोड़ी बहुत गिरावट से टेंशन लेने की फ्रेंड्स कोई ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज शेयर ये तो लॉन्ग टर्म में बढ़ना ही है, ऐसा सोच के चलिए। करंट प्राइस चल रहा है 16.80। लास्ट सेशन में -4.55% की गिरावट देखने को मिली है। बट फ्रेंड्स, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होनी ही थी, आपको पता है। रीज़न बताऊंगी। पहला रीज़न है फ्रेंड्स, अगर किसी शेयर ने 3 दिन में 30% का रिटर्न दे दिया है, तो उसमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होगी। एंड आप सबको पता है कि लास्ट सेशन में मार्केट बहुत ही नेगेटिव थे, मार्केट के सेंटिमेंट्स काफ़ी नेगेटिव थे, इस रीज़न से भी शेयर थोड़ा नीचे गिरा है। बट फ्रेंड्स, आपने नोट किया होगा, जो मार्केट ओपन हुई थी तो दोबारा 18.45 तक पहुंच गया था। मैंने आपको बताया है कि जिस दिन 17 को तोड़ देगा, उसके बाद इस शेयर ने ऊपर ही जाना है। तो 17 के अपने रेजिस्टेंस को तोड़ चुका है। जो लोग लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं, आराम से बने रहिए। एंड जिन लोगों को प्रॉफिट बुकिंग करनी थी, लाइक जो मैंने कहा था 13 पे लेके बैठे हैं, और अगर 17 में प्रॉफिट बुकिंग करके एक अच्छा रिटर्न कमा के निकलना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, तो वो भी कर सकते हैं। दैट इज एब्सोल्युटली योर चॉइस फ्रेंड्स। तो चलिए बात करते हैं। 52 वीक लो था, 1.05 हाई बनाया है 28.80। दोबारा से अपने हाई तक पहुंचने में बहुत जल्दी आपको क्रॉस होता दिखने वाला है। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि कंपनी विद हाई TTM EPS ग्रोथ, मार्केट कैप है 1509 करोड़ का, फेस वैल्यू है 1, प्रोमोटर्स होल्डिंग बहुत ऑसम है 53.41%, पब्लिक की होल्डिंग है 46.5%, FII की है 0.02%, DII की भी है 0.06% एंड अदर्स है 0.01%। सजेस्ट क्या कर रहे हैं एनालिस्ट, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। 100% एनालिस्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि इस शेयर को बाय करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। 0% सेल है, 0% होल्ड है। गिरावट को देख के डरना नहीं है, गिरावट के रीज़न बता दिया, मार्केट के सेंटिमेंट नेगेटिव थे, और प्रॉफिट बुकिंग होना ऑब्वियसली फ्रेंड्स, अगर 30% रिटर्न दिया है तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होगी, बिकॉज शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स भी होते हैं फ्रेंड्स। अब ऐसी न्यूज़ आ रही है कि क्या कंपनी बोनस भी देगी, तो देखो अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। Q4 के रिजल्ट में ऐसा हो सकता है, तो अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन वेट कर सकते हैं, होप कर सकते हैं कि क्या पता बोनस भी कंपनी दे दे। तो Q4 के रिजल्ट काफ़ी अच्छे आने वाले हैं, ऐसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो हम सबको Q4 के रिजल्ट का वेट है। आपको सबको पता है कि सबसे पहले लार्ज कैप कंपनीज के रिजल्ट आते हैं, एंड दिस इज अ स्मॉल कैप, तो इसमें थोड़ा सा वेट लगेगा, बट इंतजार करिए, रिजल्ट अच्छा आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अब अगर शेयर ऊपर को जाएगा तो पहला टारगेट लेके चलिए 17.92, देन 19.03, देन 19.62। नीचे आएगा सपोर्ट बता देती हूँ 16.22, 15.63 एंड 14.52। लास्ट डे का वॉल्यूम बहुत अच्छा था, 4 करोड़ का। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा शेयर। आप सबको पता है कि स्टील की प्रोडक्शन इंडिया में बहुत बढ़ेगी, क्योंकि डिमांड बहुत बढ़ चुकी है, स्टील के प्राइसेस ऑलरेडी काफ़ी हैं। तो फ्रेंड्स, बेल बटन प्रेस कर दीजिए, नेक्स्ट कोई अपडेट आता है वीडियो के थ्रू जरूर बताऊंगी। एंड दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। अपने पैसे को कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद से रिसर्च करना बहुत जरूरी है। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए, एंड चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू।